असलम प्रोग्राम के साथ मैं हूं मूंगू जी अब्दुल्क नाजीन आज हम बात करेंगे क्रॉस चेक में कि पाकिस्तान की क्या मौजूदा सूरत हाल चल रही है अपोजिशन जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ एतम लेने का फैसला कर लिया है और अब देखते हैं कि क्या आगे नतीजा निकल कर आता है क्या लगता है आपको कि पांच साल की जो इमरान खान की हुकूमत है क्या इमरान खान साहब वो पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसी हवाले से बातचीत करेंगे हमारे साथ मौजूद है साफी सैयद हैं प्रोग्राम में ठीक ठाक जो है वो चाहती है की जी पांच साल भी हैं मौजूद हैं प्रोग्राम में खुश पांच कहते हैं अभी साढ़े जी आदम अहतमाद का फैसला जो कि उन्होंने ले लिया है और वो कहते हैं कि जी उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि हुकूमत जो है वो चाहते हैं गिर जाए आप क्या समझते हैं इस बारे में कि क्या वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा पाएंगे या नहीं देखिए बात अगर की जाए ना ओपोजिशन की तो हर दौर हुकूमत में ओपोजिशन का यही एक वो होता है कि वो किसी ना किसी तरह जो है वो हुकूमत को जो है वो गिरा दे और अगर बात की जाए अगर रदम अहतमाद की जिस तरह बात की जाए अगर पीपल्स पार्टी जिसके अंदर इन्होंने अपना एक अलाइंस बनाया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और जे यू आई जो है वो इसके साथ जो है वो जुड़ के इन्होंने जो है वजीम के ख़िलाफ़ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक जो है इरादा जो वो जो, 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 वो जो, जो, जो उसको जो है आज जो है वो जमा करा दिया गया है इसको जो है वो असम्बली के अंदर पेश कर दिया गया है लेकिन देखिए बात दरअसल ये होती है अगर इस हुकूमत की कारदगी के हवाले से बात की जाए ना तो देखें कारकरी उस लिहाज से नहीं है जिस तरह से जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो दावे किए थे और जो उनने बताया था कि मतलब जिस तरह के ना मुल्क जो है वो किसी से कर्जा लेगा ना हम आई एम एफ के पास जाए आई एम एफ की तरफ जाएंगे और ना ही जो है वो महंगाई जो है वो कम होती चली जाएगी और जो नौकरियाँ हैं वो बेरोजगार अफराज जो है उनको नौकरी दी जाएगी और जो बेरोजगार और बेघर लोग हैं उनके लिए जो है वो घर बना के जो है हुकूमत की जानब से दिए जाएंगे और इसमें से अब तक जो है वो एक भी वादा ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने अब तक जो है वो पूरा कर दिया हो तो इससे जो है वो आगरा बात की जाए तो एक आम जो इंसान या आम शहरी जो है वो तो काफी जो है वो पुरुद था जिस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत जिस वक्त आई तो बड़ा पूरा पुरातम और बड़ा पुरुद था कि शायद उसको कुछ नया देखने को मिलेगा उसके जो मसाइल हैं वो कुछ हद तक जो है वो कम हो जाएंगे लेकिन मसाइल कम होने के बजाय वक्त के साथ साथ जो वो बढ़ते चले गए और इसी की बात अगर देखी जाए तो इसी को बेस बना के जो है वो अपोजिशन ने जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक है जो है उसमें चलाई है और चूंकि इस वक्त जो है बात की जाए अगर एक बात की जाती है कि अगर इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात की जाए तो उसमें एक चीज़ ये आती है कि कुछ भी है इमरान खान जो है वो करप्ट नहीं है तो बात देखिए सिर्फ बात यहाँ करप्शन की नहीं आती है बात यहाँ आती है कि आपने वाम को कितना रिलीफ किया है अच्छा उसके बाद मैं जो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की तरफ से जो है कि ये स्टेप लिया गया जिस वक्त ये तहरीक जो है वो चलाई गई उसके फौरन बाद जो है वो इमरान खान साहब ने जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद उन्होंने जो है वो बिजली के बिलों में और जो पेट्रोल के जो पैसे हैं वो कम कर दिए गए तो आप एक बात बताए ना एक तरफ तो वो कहा जाता है कि आलमी सतह पर जो है वो पेट्रोल जो है या तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं तो जब तनाजा जो दे चल रहा है दे 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 उसके बाद लेकिन फिर आप एक तरफ से जो है वो उसी वक्त आप वो जो है पेट्रोल की कीमत कम कर दे तो फिर किस तरह मतलब दुनिया में तो पेट्रोल से तो महंगा होता चला जा रहा है पाकिस्तान में आप कैसे वो कम कर और अगर आप इस टाइम पे आप पेट्रोल की कम कर सकते हैं तो फिर आप आवाम को रिलीफ इसका मतलब आप दे सकते हैं आपके पास वो रिसोर्स है जिस तरह बार बार क्यों इमरान खान को तकलीफ का निशाना बनाए अगर वो पेट्रोल कम दें तो मुश्किल है ना कम दें तो मुश्किल ये तो बात सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं है कि जो भी पार्टी है जो भी जमात जो इकतदार में होती है तो उसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है और तनकीद कोई बुरी चीज़ नहीं अगर तनकीद बरह हो तो वो एक अच्छी चीज़ होती है उससे जो लेकिन है तनकी इस नहीं की जा रही ना ये तो सबको पता है देखिए अपोजिशन का तो काम ही है ना कि अपोजिशन तो वो तनकीद करती है वो हर दौर में अगर आप देखें नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी ने कब तब जो है कम तनकीद की थी आज वही जो है बड़ा गज्जोड़ बना के वो बैठे हुए हैं तो अगर देखा जाए तो तहरीक अदम एतम जो लेके आ रहे हैं वो लोग खुद

ऑपोजिशन ने जो है दावा किया कि जी उनके पास 197 से 202 तक जो है वो अर हिमायत में मौजूद है आप नहीं समझते इस बारे में जब वो ये इतने दावे से कह रहे हैं लेकिन इमरान खान साहब भी दूसरी जगह कह रहे हैं कि आप नहीं हिला सकते उन्हें कहीं नहीं हिला सकते देखिए किसी भी देखिए जब भी ना दो दौर चल रहे होते हैं एक हो रहा होता है आ, कि आ, 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 आपने देखा होगा एक होता है सदारती निज़ाम और एक पार्लिमानी निज़ाम ठीक है अभी जो हमारे मुल्क में जो इस वक्त लागू है वो है पार्लीमानी निज़ाम ठीक है इसमें भी किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए ना जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना उसकी उनको निफ्स जो है ना वो तादाद जो है वो दरकार होती है हुकूमत बनाने के लिए तो अगर ये पीपल्स पार्टी की ये दावा है कि उनके पास 197 अगर हैं उनके पास वाकई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हैं तो उसमें कोई शक नहीं कि इमरान साहब की हुकूमत गिर सकती है लेकिन ये सिर्फ दावों की हद तक है क्योंकि आपने देखा होगा हकीकत कुछ नहीं क्योंकि आपने देखा होगा इनके इस बयान के बाद जो है वो वज़ी खान साहब ने जो बड़ा एक एक, एक, एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया और बड़ा एक उन्होंने बोला कि तहरीक आदम अहतम कामयाब नहीं होती तो फिर जो ख़ान साहब मैं करूंगा वो फिर आप लोग देखेंगे ना तो इसका मतलब कोई ऐसा एक इक्का है खान साहब के पास अभी जो जो उन्होंने अभी तक शो नहीं किया है तो ये आप कहना अभी कि कितने लोग है पीपल्स पार्टी के साथ अभी हिमायत में है एक तो ये तो अभी कहना खैर मुनासिब नहीं होगा ये भी आप देखें आज उन्होंने तहरीकदम एतम जो है वो असम्बली में पेश कर दी है अभी देखें उसका क्या फैसला लिखा क्योंकि ये जो तहरीकदम एतम आज उन्होंने चलाई जमा कराई है ये भी जो इसका भी जो फैसला जो पी एम एल एन की जो पार्लियमानी इजलास हुआ है उसके अंदर हमने ये फैसला किया और फिर ये जो है करारदादा जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडें नो कॉन्फिडेंस जो है वो असेंबली में जो है वो जमा कराया है आप नहीं समझते कि ये पांच साल बिगाड़ नहीं है काफी साल पुराना बिगाड़ है जिसको अब लोग समझते हैं कि इमरान खान उस बिगाड़ को चंद मिनटों में या चंद सालों में कर देंगे आप नहीं दुरुस्त है कि ये पांच साल का कोई बिगाड़ नहीं है अगर आप कहा जाए कि पांच साल में हर चीज़ जो है वो एकदम बदल दी जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा हर चीज को बदलने में टाइम लगता है हर एक स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें बेहतर होती है हमारी इकोनॉमी जो है पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है हमारे एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी जो है वो समझ लें आप रिफॉर्म हो रहे हैं उसमें तो ये तो कहना है बिल्कुल खैर कतई जायज़ नहीं है कि आप एकदम आके जो है वो चीज़ें वापस सही कर देंगे इतने सालों का जो बिगाड़ है ये एक साथ सही ही नहीं हुआ और हाँ लोगों को सिर्फ़ जो इमरान ख़ान साहब से जो लोग एकदम नाउमीद ये हुए हैं कि बस वो जो दावे थे ना वो दावे जो है वो या तो आप ना करते कि आपको ये पता था अब आप अगर बोलेंगे कि अब इस हुकूमत के पास इतने वसायल नहीं है कि वो लोगों को रोजगार दे सके तो फिर आपने उस वक्त जब आप कंटिन्यू पर चले थे आपने क्यों दावे किए कि जो एक करोड़ जो है वो नौकरियां दी जाएंगी लोगों को तो लोगों का एक आपसे जो एक, एक, होप बन जाती है ना कि लोगों को एक आसरा हो जाता है कि यार अब कुछ चेंज होगा अब जो है यहाँ के जो नौजवान जो है वो काम समझ लें आपके रोजगार उनके पास आ जाएगा अब लोगों के हालात जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि लोग जो है मजीद कस्बासी में जो है वो मुब्त होते चले गए ये बात आपने बिल्कुल ठीक है हम वाक्य शेयर करते हैं आपसे कि लाहौर में जो है चौबीस घंटों के दौरान दो सौ पचास वारदात हो गई हैं अब आप फैजान सर मुझे ये बताएं कि ये वारदातों में जो इजाफा चौबीस घंटों में दो सौ पचास वारदातें मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है चौबीस घंटे हैं उन चौबीस घंटों में दो सौ पचास वारदातें होना जिसमें बाइक्स वगैरह लोगों के फोन स्नैच होना ये सब चीजें शामिल है आप नहीं समझते कि इसका रुझान काफी तेजी से जो है वो बढ़ता जा रहा है देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है लेकिन देखिए आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये सारे वाक़ तभी बढ़ना शुरू हो जाते हैं जब लोगों के पास रोज़गार नहीं है लोगों के घरों में जो है फाका कशी जो है हो रही है अब एक इंसान है उसने अच्छा आप इसमें आपने देखा होगा तो इस बार जो ये वारदातें हो रही है इसमें हर उम्र के जो लोग हैं वो शामिल, शामिल हैं।, हैं चाहे वो पंद्रह साल का बच्चा हो, हो या, या चाहे वो पचास साल का बुजुर्ग आदमी हो ना क्योंकि लोग हालात से परेशान हैं उनके पास काम है नहीं कमाने को है नहीं अखराज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं महंगाई जो है दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक वक्त का खाना जो है वो बेजर तरीके से जो है वो खरीद सकें या अपनी फैमिली को जो है वो एक बेहतर जो है वो ज़िंदगी जो है वो मैसर कर सके ना तो इसीलिए लोग तो ये जो, जो सेहत कार्ड है और फिर ये एहसास प्रोग्राम है ये सब किसके लिए देखिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं ये एक अच्छे इनिशियेटिव हैं इसका एक अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी इसके होंगे और ये सेहत का कार्ड भी जो है ये इसका भी एक इनिशियेटिव बड़ा अच्छा है कि इसमें जो है एक ख़ानदान को जो है या एक फ़र्ज को जो है वो दस लाख रुपये तक की कवरेज है और उस पर कोई मतलब ये शरात नहीं कि मतलब उसने कोई लिमिटेड जो हॉस्पिटल हैं सिर्फ वहीं जाके इलाज

जो 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 है 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 वो वो उसको फराम किया गया ये की जानते एक अच्छा है लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कहीं ज्यादा चीजें और अभी बाकी हैं जो हमें करनी चाहिए थी, है थी। हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे जो है वो नजरसानी नहीं कर सके या उस पर आप सोचें कि उतना मौका भी नहीं मिल सका कि जब से ख़ान साहब की हुकूमत आई है तो एक के बाद एक कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, है कि हर सारी जो आपकी इंटेंशन है वो उस तरफ डाइवर्ट कर दी जाती है और उसके बाद जो अपोजिशन के आज के आए एक नए रोज़ एक एक प्रेशर बिल्डअप करने वाली बात होती है, है क्योंकि अगर आप बात की जाए आप, ए, आप देखें ना इस वक्त जो तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चला रहे अगर नहीं आप कह रहे, रहे कि काबिज होना नहीं आप डिलीवर तो करें ना आप तेरह साल में अगर आप तेरह साल से एक सूबे में आप हुकूमत कर रहे हैं और वहाँ पे बुनियादी सहूलतें जो है उसका फुकदान है तो इन तेरह सालों में फिर आपने क्या किया और हर मि... हर मिनिस्ट्री आपके पास है हर चीज़ आपके पास है रिसोर्सेज आपके पास है अब बात अगर की जाए सिंधु सिंधकूमत से तो वो सारा जो है वो बोरिया बिस्तर जो है लपेट के जो वो वफाक के कोटे में डाल देता है कि वफाक जो है वो जो है फ़ंड कराची को जितने देने चाहिए थे उतने नहीं देता तो उसके बावजूद भी कराची में जितने टैक्सीज जो है जो कलेक्ट होते हैं अगर उसका आधा सा भी आप कराची पे लगाते हैं मैं हैं। भी सिंध की बात तो कर नहीं रहा सिंध में तो फिर बहुत दीगर शहर भी हैं और सिर्फ आप बात करें तो आप वज़ी अल से अगर आप ये सवाल करें या आप दीगर उनके किसी और रिप्रेजेंटेटिव आप बात करें तो वो बात की जाती है जनाब के हमने वो सेहत की सहूलियात है वो और किसी में जो है वो नहीं है तो लेकिन वो आपको ऑन ग्राउंड दिखती नहीं है आप बताए जहाँ आज भी थरपारकर में जो है लोग जो है वो पीने के साफ पानी को जो है वो तरस रहे हैं आज भी वहां पे जो है खाने का जो एक एक निवाला या एक एक आप समझ ले दाना जो उसके लिए लोग तरस रहे हैं ठीक है वहां लोग प्यास से मर रहे हैं मतलब तेरह साल की हुकूमत आपने रखी अपने पास और लोगों को आप एक साफ पानी देखें पानी क्योंकि पानी तो आपको आ, पहुंचाना जो है वो तो हुकूमत का काम है ना बेसिक है, बेसी के है। ना आपके पानी पानी तो एक एक ऐसी चीज है ना कुदरती आपके पास मौजूद है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है आपके पास ना इसको सिर्फ आपने पहुंचाना है उसकी आप अगर आप अगर तकसीम करना हो यहाँ पे आपको हाइड्रेंट को देने के लिए तो आपके पास पानी की नहरें बहरी होती है कि आप उनको भेज आप जाए टैंकर आप जाए रोडो पे आपको भरे हुए टैंकर हो जाते हुए दिखते हैं लेकिन आपको नलों में पानी नहीं दिखता और भी दिखता तो आपके पास आप लोगों को बिल भी आप बायदगी से लोग आपको अगर बिल भी दिया जाए और ये कहा जाता है कि लोग जो है वो ड्यूज जो है वो नहीं देते या वक्त पे जो बिल नहीं देते तो लोगों को पानी दस्तियाब नहीं है तो वो बिल क्यों देगा ना आपको तो बेसिक आप देखें ना कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिंधुकूमत ने जो मुकम्मल जो है वो तबाह कर दिया तो ये सिंध हुकूमत का जो नारा था जो कि काफी पहले लगाया था रोटी कपड़ा मकान वो सिर्फ दावा था देखिए फिर बात में ना रोटी कपड़ा मकान आप अगर ये पीपल्स पार्टी का एक मंशूर था ना कि मतलब हम जो है ना रोटी कपड़ा और मकान देंगे और मैं तो ये कहता हूँ कि आप पीने का साफ पानी नहीं दे सके आप रोटी कपड़ा मकान तो बहुत की बात है ना तो अभी भी देखिए अभी सिंध हुकूमत के जो है ऐसा नहीं है कि सिंध हुकूमत कुछ कुछ चीजें जो है वो हुकूमत की सतह पर जो है वो बेहतर भी होती हैं उसमें बहुत सारी मुश्किल भी आती है जाके क्या करेंगे जब घरों की चीजें जरूरिया पूरी नहीं हो रही है तो लोग पार्क जाके क्या करेंगे नहीं देखिए आप ये तो कहना वो जरूरी नहीं है ना कि मतलब पार्क जरूरी नहीं है तो क्या पार्क खत्म कर दे खत्म करने की बात नहीं है जहाँ आपको पैसा लगता है कुछ बेहतर अगर हो रहा है तो हमें उसके लिए ना देखिए हमें उसको भी फिर बाहर देखी जाए ना घरों में तो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं और आप पैसा लगा रहे हैं जो बेहतर है लेकिन कुछ बहुत सारी आप देखे आप देखे अभी आपने आपका मेट्रो का प्रोजेक्ट जो बना है इससे कितने को आपको पता है जो है वो जॉब इसमें जो है वो लोगो को मिली है इमरान खान साहब ने जॉब नहीं दिया नहीं 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 जॉब ये इमरान खान साहब ने नहीं नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट प्रड़ेशन प्रड़ेशन हाँ, में हाँ, खान हाँ साहब का मतलब ये अपना कोई हुआ प्रोजेक्ट नहीं था में जो जिसको ये दो हजार मुकम्मल होना था लेकिन वो ताखिर के सब जो है ये मुकम्मल ना हो सका और इमरान खान साहब की हुकूमत में जो है इसको तक पाए तकमील तक जो है वो पहुंचा दिया गया और उसका क्रेडिट जो है वो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट वफाक का था तो उसका क्रेडिट जिस जो है वो वफाक को ही जाना था ठीक है लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे मंसूबे बाकी हैं जिस तरह से अगर आपको पता हो के फोर मंसूबा है वो लेकिन आज... सारे मंसूबे मिनटों में तो नहीं होते हर नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं, 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 देखिए मंसूबे नहीं नहीं और नहीं, वो चलता नहीं, है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है के फोर मनसूबा आज से कई साल पहले जो है वो मुकम्मल होना था लेकिन उसके बाद अभी उस पर जो है उसको दोबारा जो है उसके लिए जो है वो दोबारा कमेटी बनाई गई ठीक है दोबारा हर चीज़ जो है वो उसके ऊपर एक पूरा एक प्लान बनाया गया और उस पर जितने अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट लग चुकी है जो खर्च हो चुकी है उसको सबको जो है वो दोबारा प्री प्लान कर दिया गया अब जो है वो जो उसकी जो लाइंस हैं जो उसके पाइप हैं वो सब जो है अब वो जमीनी सतह पर जो है वो लेके जा रहे हैं तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो है फिर अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट उससे मजीद दोबारा लगेगी फिर उस पर एक्सटेंशन लगेगा तो मस्जिद उस पर पैसा लगता चला जाएगा तो ये भी एक तरह से अगर आप देखें तो मुल्क में आपके हालात इतने थाम अच्छे थाम नहीं है हाँ। कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे जो है वो बार बार जो है वो इन्वेस्टमेंट करती रहें ठीक है तो अभी हमें मेरे हिसाब से बेहतर ये था कि सिंध हुकूमत को चाहिए था या पीपल्स पार्टी को चाहिए था हदम एतम से बेहतर था कि वो अपने सूबे पे जहां उनकी अपनी हुकूमत है उस पे थोड़ी सी दें आप यहाँ लोगों के पास घर में खाने को पैसे नहीं है और आप देखे तो जलसे जो है वो करोड़ों रुपए के जलसे जो है वो ऐसे किए जा रहे होते हैं, जा रहे हैं। आप लोगों को सोच है। <laughs> तो वो पैसा कहाँ से आता है आप वही पैसा जो है वो सुबह में डिलीवर करें आप लोगों को करें वो पैसा लोगों पर खर्च करें आप, आपके पास इतना बड़ा आपके पास एक मेट्रोपॉलिटन आपके पास सिटी है आप देखें दुनिया देखे 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 में मुल्क की इकोनॉमी में जो है वो सत्तर फीसद से जायद जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कराची करता है और सूबे में नबे फीसद से जो है, है कंट्रीब्यूशन जो है वो कराची का अगर आप देखें मेट्रोपॉलिटन सिटी दुनिया के कि किसी भी आप मुल्क को देख लें तो उसका जो मेट्रोपोलिटन सिटी होता है वो सबसे वेल डेवलप है लेकिन यहाँ पे आप देखें वो मुल्क वो शहर वो शहर जो पूरे मुल्क को जो है वो पाल रहा है इस वक्त उसका अपना जो हाल है वो बिल्कुल तबाह गुन है और कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब इस कराची के लिए जो है वो मुखलिस होके कराची को एक डेवलप सिटी या कराची को डिलीवर करे ठीक है और बात की जाती है अभी आपने देखा होगा जिस तरह से अभी एक लोकल गवर्नमेंट जो है के एक्ट है जिसको लाया गया था जिसपे जो है वो हर सियासी जमात ने जो बड़ी तनकीद की उस पर उसके अंदर फिर जो है वो सिंधु हुकूमत ने कहा मतलब उसमें जमातों का ये था कि इसको इसको पेश करने के लिए जो है वो दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं या दीर जो जमात हैं उनको जो है वो एतम में नहीं लिया गया तो उसके बाद जो है वो सिंधकूमत जो है वो हरकत में आई उसके बाद जो उन सियासी जमातों से जो है वो रबते किए और उसके बाद जो है वो उनको यकीन दा नए नए हवाई बातें नहीं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना उस पर जो है वो नए होगा उस पर सिंध गवर्नमेंट जो है उस पर तहरीरी हुई जो उसने दीगर सियासी जमातों से जो मुजाक किया था और जो उनके जो मशावरत थी जो उसमें उन्होंने शामिल करने की यकीन दहानी कर थी वो तहरीरी शक्ल उसको दे दी है अब इन शाला तब देखें अभी क्या होता है वैसे पीपल्स पार्टी की हमेशा से की रिवायत रही है कि वो इन द एंड जाके जो है वो अपनी बातों से जो मुकर जाते हैं अब देखिए क्या होता है लेकिन इस वक्त है कि अगर कराची को इस वक्त कराची को जो है हमें बेहतरी की तरफ या तरक्की की तरफ लेके जाना है तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं कराची के ना उनको एक प्लेटफार्म पे जमा होना पड़ेगा और अपनी सियासत जो है ना वो कुछ वक्त के लिए जो साइड पर के जो है ना वो कराची को एज अ शहरी एज अ सिटीजन जो है ना वो कराची को ओन करके जो है वो कराची के लिए उन्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा जी नज जीन यहाँ ब्रेक लेते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ ही रहना है Kabafusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst Young's Entrepreneur of the Year award. Kabafusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. रे वे जा चिनाई छींदा यार चिनाई छींदा यार वो अल्लाह वाली तार वज़े मुरशद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ ना मैं वे मैंने इश्क न जा कुछ ना वे जब सामने हो यार नजना पता है दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू ऐत पार फिर देख तमाशा यारी

देखिए पहले तो इस वाक्य को मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँ कि इसको जितनी उसकी मजम्मत की जाए ना वो कम है देखिए एक बात की, की जाती है कि घर में जो है वो अगर पहली जो है वो बेटी पैदा किया कर दी जाए या बेटी पैदा हो जाए तो उसको जो है वो बड़ी सफाकियत से जो है वो कत्ल कर दिया जाता है तो कल भी आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया जो इस चीज़ से भरा पड़ा है कि एक जो सात दिन की जो बच्ची है उसको उसके बाप ने सिर्फ इस वजह से जो है वो सात गोलियाँ उसको मारी कि उसको पहले जो है वो बेटी नहीं उसको पहले बेटा जाता और उसने इस बेस में जो है अपनी सात दिन की बच्ची को जो है वो सात फायर करके जो है वो उसने कत्ल तो ये एक अल्बी है आप देखें आज जो हमारे ऊपर जो इतनी मुसीबतें आ रही है वो अपना अपना किरदार जो है वो अदा करना है इसमें चाहे वो हमारे कराम हो चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो मैं हूँ आप हूँ ये हम सबका एक है कि हम लोगों में जितनी आगाही जो है वो उसकी फैला सके वो उतनी ही ज़रूरी है आजकल के दौर में क्योंकि ये दिया जाता है आप देखें एक तरफ तो वो लोग हैं जो बेचारे बे औलाद हैं उन क्या औलाद नहीं है और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी रहमत से जो वो नवादा है वो नवाजा है और वो इस काबिल ही नहीं है कि वो उसकी कदर कर सके कि आप देखें ना कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो आ, किसी मतलब आप देखें औलाद के लिए जो है वो इतनी मन्नतें जो है वो मुरादे मुराद जो, जो है वो करें कर रहे होते हैं कि किसी तरह अल्लाह पाक जो है उनको जो है वो औलाद से जो है वो नवाज दे, दे। उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो और आप अगर आप देखें एक तरफ दूसरी तरफ तो हमारे हमारे माशरे में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि जो सिर्फ उनके वो उस दौर से बाहर बाहरी आशतक नहीं है जहाँ ये देखा जाता है कि एक बेटा ही जो है वो हर चीज है और शायद बेटा जो है वो उनका जो है वो बुढ़ापे में सहारा बनाएगा और अगर आप देखें तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ जो एक बेटी जो है वो अपने माँ बाप का जो है वो एक बेटे से कहीं ज़्यादा बढ़ जो है वो उनकी खदमत गुजार होती है और उनका जो है आखिर तक जो है उनका सहारा होता है बिल्कुल ऐसा ही तो, तो, तो जो हम बात कर रहे थे कि जो वाक्य पेश आया है और ये एक बड़ा खौफनाक वाक्य था एक नहीं, एक बा... देखिए इसमें मैं थोड़ा सा ये भी करूँगा कि इसमें थे हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए या जो लोग ऐसे जो है वो जुल्म करते हैं उन लोगों के लिए तो उनको तो इबरत का निशाना बना देना चाहिए इबरत का निशान बना देना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो आगे के लिए और लोगों के लिए ऐसे मिसाल हो जो अगला मतलब करते, अगला भी भी करते हुए वो मतलब, हजार बार सोचे पहले ना और ये कदम उठाने से पहले तो उनके लिए तो वो मिसाल बना देनी चाहिए इस लोगों को आपको पैदा करने वाली भी एक औरत होती है और जिसने आप आपकी अगर बेटी पैदा हुई है तो उसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने आपको रहमत से नवाजा और रहमत को अगर आप इस तरीके से मार

उस गरीब के लिए जो गाय और बकरा है वो मुर्खी है लेकिन अगर उसी कीमतें आसमानों से बातें करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे फैजान हाँ देखिए ये तो कोई पहली बार तो देखने में आया नहीं तो हम लोगों का अलमिया है कि हम लोग देख रहे होते कि हम किसी की कमजोरी या किसी ऐसी चीज से फ़ायदा उठा लें ना कि उसमें हम जो है वो लोगों का साथ दें या उसमें हम जो है एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और लोगों के लिए मज़ीद जो है वो आसानियाँ पैदा करें बल्कि हम क्या करते हैं हम सोचते हैं कि यार ऐसी कोई वबा आ जाए आ, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कोविड आया था तो कोविड में लोगों ने जो है वो वो चीज़ें महंगी कर दी थी जिससे कोविड का जो है इलाज जो है वो हो रहा था वो चीज़ें जो है वो महंगी कर दी गई इसी तरह की अभी ये जो वायरस आया है जो पहले जो है वो कैटल फार्म्स में जो इसकी शिकायतें जो है वो रिपोर्ट होना चुकी फिर वक्त बढ़ते बढ़ते जो वो दीर अजला से भी जो है वो इसकी शिकायतें जो है वो तीस से बढ़ी जिसपे जिस पे जो हुकूमत ने बर वक्त जो इस पर एक इकदाम किए हैं और फ़ौर जो है वो मवेशी मंडी पर जो है वो पाबंदी लगा दी है और मख्तल जो है वो उनने जो है वो हर ज़िले को जो है वो एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया है कि आप लोगों ने आपने अपने जो है वो जुडिस में जो है वो मवेशी मंडियों का जो है वो क्याम जो है वो नहीं होने देना है ना ताकि इस बीमारी को जो है वो मजीद फैलने से जो है रोका जाए अच्छा जिस तरह से देखा जाए कि एक तरफ जो है कि लो, लोगों में जो है वो एक खौफ तारी हो चुका है कि उन लोगों ने जो है वो गाय का गोश्त से जो है वो इज्तना कर लिया है फिलहाल तो उसी तरफ देखा जाए तो फिर इस चीज़ का जो फायदा उठाते हुए ना तो आपने देखा होगा जो पोल्ट्री फार्म या जो दीगर आपके इलाके में गली मोहल्ले में जो चिकन की जो दुकानें हैं उन लोगों ने जो इसका फायदा उठाते हुए अपनी मनमानी कीमत जो थीने थीने मल्मानी मल्मानी है जो ना उस उसपे जो है वो वो जो है वो वसूल कर रहे हैं तो उस उसपे जो है कि इंतजामिया को चाहिए कि उस पर जो है वो सख्त सख्त जो है वो इकदाम किए जाए और हर जिला में जो है वो जो वहाँ का जो भी जो डिप्टी कमिश्नर है जो भी बीएसएनएल कमिश्नर है तो उनको चाहिए कि रोजाना की बुनियादों पर जो है वो चेक इन बैलेंस रखे कि लोगों को जो है वो आ, आप जो है वो मुनासिब कीमत पे जो है वो मुर्गी की फरामी जो है वो दस्तियाब हो क्योंकि अब गोश्त जो है अभी लोग उसमें बीमारी की वजह से जो है वो उससे दूरी लोगों ने जो है वो बना ली है तो अब लोगों को जो रोजान है रोजाने वो है चिकन की तरफ ना तो चिकन भी अब देखें तो आप एक आम तौर पे जो है वो जो ढाई सौ या दो सौ सत्तर रुपये किलो जो चिकन में लेती ले है वो आप पाँच सौ साढ़े पाँच सौ रुपये तक जो है वो जा पहुँची है ठीक है तो ये तो जुल्म है ना लोगों को यहाँ जो है वो मुश्किल से लोग जो है वो कमा रहे हैं और उनसे जो है वो ये जुल्म उनके साथ करना है तो ज़्यादा और ये हुकूमत का बिल्कुल एक तरह से जिस तरह उन्होंने एक अच्छा एकदम किया है कि फौरी जो है उस पर वायरस को मज़ीद फैलने से जो है उसके लिए रोकथाम के लिए जो है वो मज़ीद उन्होंने धामात किया इसी तरह हुकूमत का ये भी एक दूसरा एक है, उन पर वो पनता जिम्मेदारी है कि वो जो लोग जो है वो ग़ैर मुनासिब या ज्यादी कर रहे हैं लोगों के साथ जो है वो कीमतों में जो है वो मनमानी इजाफ़े कर रहे हैं

Because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate less. Deserves justice.